आज हम सबको लेटर लिखना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। क्यूट, फनी या रोमांटिक, जो लिखना है लिख दे, बस हमारी बेइज्जती मत लिखियो। हाँ? नाइस आईडिया। जेमिश, यू लुक सो क्यूट। हाँ, छोड़ मुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हाँ। हजारों रंग के नजारे बन गए। कुकी, जे हो पागल हो चुका है, पता है इसीलिए पागल थाने फोन कर दिया है। क्या लिखूं मैं? ऐसे लग रहा है बोर्ड को एग्जाम देने आया हूँ मैं। छोड़ो, इससे अच्छा तो गूगल बहन जी से ही पूछ लेता, अच्छी अच्छी पोएम बता देगी वो मुझे। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। गूगल बहन जी, सैवेज पोएम बताइए। कृपया करके अपना दिमाग खुद लगाइए, हमारे दिमाग का दही भल्ला मत कीजिए। Yeah, welcome to the firework. तुम सबने लेटर तो लिख ही लिया होगा। हाँ? कढ़ाई के नीचे आग लगाते हैं, ये ऊपर किसने लगा दिया? ये न्यू स्टाइल है। किस बुढ़े के जमाने की स्टाइलिश कढ़ाई है ये? इतनी बड़ी कढ़ाई पक्का हलवाई से चुराई होगी। वो सब छोड़, मैंने आज एक ऐसी पोएम लिखी है कि आग लग जाएगी। डायनामाइट लिखा है क्या? फायर ब्रिगेड को फोन करूं? लाची बोला ना, मुझे शर्म आ रही है अपना लेटर पढ़ने में। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं? इतनी शर्म आ रही है तो तू अपना लेटर आग में डाल दे। मैं डाल दूंगा। डाल दे, कढ़ाई में फेंक डाल अपना लेटर। मैं नहीं फेंकूंगा। कितनी गर्मी हो रही है। सबसे पहले लेटर कौन पढ़ेगा? कोई तो बोलो। मुंह में बर्फ जम गई है क्या? खैर छोड़ो, बड़ा भाई होने के नाते लेटर मैं ही पढ़ देता हूँ। मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ तो लेटर पढ़ने का हक भी मेरा ही होना चाहिए। बड़े लेटर पहले पढ़ेंगे, बच्चे नहीं। ये बच्चा किसको बोला बे? तेरे को बोला बे? मैं सिर्फ दिखता क्यूट लिटिल बेबी जैसा, लेकिन हूँ पूरे 25 साल का। हरकतें तो 5 साल के बच्चे जैसी है। देखो, दिल तो बच्चा है और बच्चों का दिल बदतमीज। लड़ना बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है। जो भी मेंबर गेम जीत जाएगा वो पहले लेटर पढ़ेगा, और जो हार जाएगा वो लास्ट में लेटर पढ़ेगा। ओके ओके। जीनू, सिर्फ एक ही चांस है तेरे पास जीतने के लिए। पहली बारी में जीत जाऊंगा। आर यू गाइस रेडी फॉर द बैटल? रॉक पेपर सीजर। हां, कुकी जीत गया। मुझसे जीतना आम खाने जितना आसान नहीं है। लेटर पढ़ने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह माय गॉड, तुमसे मिलके दिल का है जो हार। ओह कुकी, तू कितना क्यूट है। आई नो। तुम सबका ड्रामा खत्म हो गया तो लेटर पढ़ लो जल्दी से। बड़ी गर्मी लग रही है, आपकी भट्टी के सामने बिठा के चिकन तंदूरी बना दिया हमारा। हाँ, मेरा तो डंपलिंग ही बन गया। गाल भी कितने लाल लाल हो गए तेरे। ये पीछे के जंगलों से शेर भी आ सकता है, पहले तुझे ही खाएगा। जिमी, पहले उसे बोलने तो दो। स्टार्ट करूं? पोएम की टाइटल का नाम है गोल्ड। गोल्ड का मतलब है सोना। सोना? मैं तो सोता ही रहता हूँ। आगे भी तो पढ़। जब मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार देखा, ओह, तब उन्होंने सुनहरी बारिश का सपना देखा। कुकी, तू रो रही क्या? आगे तो पढ़। जब मैं बड़ा हुआ, मेरा नाम गोल्डन मैकनी पड़ गया, लेकिन मुझे गोल्ड नहीं मिला। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सभी मेंबर किसी गोल्ड से कम थोड़ी है क्या? छोटी सी जान का मैं करूंगा क्या? ये क्या लिखा है तूने कुकी? माशाल्लाह, तेरी कविता सुन के कविता भी शर्मा जाए। वाह कुकी वाह, क्या लिखा है, एकदम जबरदस्त। थैंक यू। पेगुआ, तूने क्या लिखा है? अपनी मर्जी। मतलब तूने कुछ नहीं लिखा? लिखा तो है। लेकिन तुम सब प्रॉमिस करो कि तुम मेरी पोएम पे हंसोगे नहीं। जोकर लिखा है। आप सबकी तारीफ लिखी है, बेइज्जती लिखी है तो छोड़ूंगा भी नहीं।
मैं तो थप्पड़ भी मारूंगा। पोयम शुरू होती है संस्कारों के साथ। कौन से ब्रांड का संस्कार है तेरे पास? सुन भी ले। आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते। मिस्टर किम सबजिन, आप वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, क्योंकि इस साल का और अगले 7 जन्मों का वर्ल्ड वाइड हैंडसम सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मिस्टर नामजुन जी, आप आर्मी को फ्लाइंग किस करते हुए शर्माया ना करें, क्योंकि आपकी फ्लाइंग किस आर्मी के दिल में आग लगा देती है। Baby, I'm a bad boy. Can you be my bad girl? आप हमारी चीजें तोड़ना और अपनी चीजों को गुम करना बंद करो। आप किचन में खाना मत बनाया करो, क्योंकि आप किचन ब्लास्ट कर देते हो। हम दाल खिचड़ी से काम चला लेंगे। ओए होए होए होए, ये बात तो सच कही है तूने। आ धुआं मेरी आंखों में जा रहा। मिस्टर युंगी जी, आप अगले जन्म में पत्थर बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं आपके पत्थर को हिमालय की चोटियों पे फेंक दूंगा, ताकि आप पत्थर बनने के बाद भी फेमस रहें। ओहो, और आप थोड़ा कम सैवेज बना करो, क्योंकि आप लोगों के दिलों को तोड़ देते हो, और लोगों के पास सिर्फ एक ही दिल होता है। मिस्टर हॉबी जी, डांस करते हुए जब किसी से भी मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें चुड़ैल की तरह घूमा मत करो। हमें हार्ट अटैक आ सकता है। अब तो मैं तुम सबको मेंढक की आंखों से घूरूंगा। मिस्टर पार्क जिमिन जी, आपकी हाइट छोटी है, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज यू आर छोटा पैकेट विद बड़ा धमाका। एटम बम हूँ मैं, लेकिन तेरी हाइट 5 फुट थी और 5 फुट ही रहेगी। बट यू आर बेस्ट डांसर। ये मजा, ये तारीफ थी या बेइज्जती? जो तू समझ ले, जो तू समझ ले। मिस्टर जनचंद कुक जी, लड़कियां तुझ पे मरती है लेकिन मुझसे ज्यादा मरती है, कोई बात नहीं, झूठ है ये, सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं तुम सबसे ज्यादा क्यूट हूँ। मैं 6 फुट का हूँ। चल बे झूठे, आप सभी को लेटर कैसा लगा? मुझे ये लेटर बहुत अच्छा लगा। वर्ल्ड वाइड हैंडसम तो मैं ही हूँ, मेरी शक्ल तो चुड़ैल जैसी है। अपने आप को शीशे में देख, पता चल जाएगा। तू तो है ही बेशरम। जिमिन, ये जैकेट क्या अमिताभ बच्चन की है इतनी लंबी? ये मुझे आरएम ने गिफ्ट की है। मुझे तो आज तक नेल कटर भी गिफ्ट नहीं किया। अरे वो मैं आरएम का क्यूट फ्रेंड हूँ ना। है? तो हम क्या कांटे हैं? ओ ये छुपे छुपे में चलेगी। मेरे को भी जैकेट चाहिए। लेटर का टाइटल है हम साथ साथ हैं। साथ रहना मुश्किल है, लेकिन साथ रह के ही तो मुश्किलों को दूर किया है। हम साथ साथ हैं। जब हमारे पास खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं हुआ करते थे, तब हमने मैगी से काम चलाया है। तुम लोगों ने मुझे सिखाया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आरएम ने मुझे इंग्लिश सिखाई, जो मुझे नहीं आती है। युंगी ने मुझे ऑरेंज खाना सिखाया। जेहोप ने मुझे नागिन डांस सिखाया। वी ने मुझे फ्लैट करना सिखाया। जीनू ने मुझे डैडी जोक पे हंसना सिखाया। कुकी ने मुझे लड़कियों से दूर भागना सिखाया। हम साथ होते हैं तो कुछ फन होता है। हम साथ होते हैं तो कुछ अमेजिंग होता है। जस्ट लाइक डायनामाइट, हम साथ 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 हैं। ओ जिमी से आग लगा दी, बहुत अच्छे। बेस्ट पोएम अवार्ड गोज टू जिमी। और थैंक यू नामजुन, यू आर द बेस्ट लीडर। अब नामजुन की बारी है। मेरी बारी कब आएगी? मेरी बात पढ़ लियो। मुझे आज भी याद है वी की फेट च्युइंगम चबाने की आदत, कुकी की फटी हुई जीन्स और उसकी बनी स्माइल, दोनों ही बहुत क्यूट है। युंगी की क्यूट म्याऊं म्याऊं बिल्ली जैसी हरकतें, जीनू के डैडी जोक्स जो मुझ जैसे 148 आईक्यू वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। जिमिन की छोटी उंगली और पांडा जैसा गोलू मोलू सा शरीर, जेहोप की सनफ्लावर वाली स्माइल, मुझे आज भी याद है बैंक पीडी और 7 मेंबर से वो पहली मुलाकात, पहली म्यूजिक वीडियो, पहला अवार्ड और पहली बार आर्मी से मिलना, हमारा अमेरिकन हसल में जाना, ग्रैमी में नॉमिनेट होना। इट्स ऑल लाइक अ ड्रीम, बट ड्रीम्स कम ट्रू। ये सारी यादें मेरे दिमाग में एक अच्छी यादें बनके छप चुकी है, और मैं इन यादों को कभी नहीं भूलूंगा, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ओए होए 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 होए।
खुशबू देते हैं, किसी को सुंदरता देते हैं, तो किसी को यादें देते हैं। यूंगी गेंदे का फूल, आरंग चमेली का फूल, जिमिन चंपा का फूल, जीनू तू तो स्पेशल है, मशरूम का फूल, मशरूम तेगुआ कमल का फूल, कुकी गुलाब का फूल और मैं सूरजमुखी का फूल, खिलेंगे गुलाब की तरह, झड़ेंगे पत्तों की तरह। लाइट भी चली गई है, बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? लाइट को भी सदमा लग गया तेरी पोएम सुन के। पैसे तो बड़ा लूटते हमसे, कहा था मैं, चाहे दिन हो या रात, खिलेंगे हर दम, चाहे बर्फ हो या बरसात, खिलेंगे हर दम एक अच्छी यादों की तरह। सब मेरे साथ बोलो, सारंगेओ 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 एवरीवन, हम फूल हैं कि फूल हैं? हाँ, तू तो मशरूम है, तुम सबको अपना फूलों वाला नाम पसंद तो आया ना, सारंगेओ एवरीवन। अब युंगी की बारी है, मेरा चश्मा किधर गया? सारंगेओ एवरीवन, सॉन्ग का टाइटल है सैवेज लाइफ, सैवेज लाइफ। मैंने एकदम भयानक पोएम लिखी है भूतों की कहानियां लिखी है क्या तूने? हम सब बुढ़े हो जाएंगे और थक जाएंगे। लव योरसेल्फ, ओनली लव योरसेल्फ। व्हाई आर वी स्टिल हियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किस मेंबर का लेटर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। रेडी स्टेडी गो, मेरी टांगे, मैं तो चला घर। बाय बाय।